यूपी गाजियाबाद के लोनी राम पार्क में वॉइस ऑफ खाकी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी यूसुफ इदरिसी ने 24 आवर्स टुडे न्यूज की ब्यूरो चीफ रानी खान व मोहम्मद सलीम इदरिसी का भव्य स्वागत किया और कहा, चौधरी यूसुफ इदरिसी राष्ट्रीय अध्यक्ष वॉइस ऑफ खाकी ट्रस्ट 24 आवर्स टुडे न्यूज की टीम का दिल की गहराइयों से स्वागत करता है और धन्यवाद करता है जो आपकी टीम वॉइस ऑफ खाकी ट्रस्ट कार्यालय 60 फुटा रोड राम पार्क एक्सटेंशन लोनी गाजियाबाद में पधारे। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वॉइस ऑफ खाकी ट्रस्ट समाज में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। ये ट्रस्ट पब्लिक और पुलिस को साथ मिलाकर कार्य कर रही है। आज समाज को वॉइस ऑफ खाकी जैसे लोगों की जरूरत है। जहाँ एक तरफ समाज और समाज के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, वहीं वॉइस ऑफ खाकी ट्रस्ट के चौधरी यूसुफ इदरिसी जैसे लोग इस समाज में लोगों की प्रेरणा बनकर आते हैं। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के राम पार्क क्षेत्र में, लोनी के राम पार्क क्षेत्र में, जहां हम बैठे हैं वॉइस ऑफ खाकी के हेड ऑफिस में, जहां हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी यूसुफ इदरिसी जी, जिन्होंने वॉइस ऑफ खाकी के लिए बहुत कुछ किया है। आइए इनसे खुद इनकी जीवन जो याचिका है उसके बारे में पता करते हैं। चौधरी यूसुफ इदरिसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो मेरे चैनल में। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, वॉइस ऑफ खाकी का सफ़र आपने कहाँ से शुरू किया? वॉइस ऑफ खाकी का जो हमने सफ़र है हमारा शुरुआती, वो ये है, हमने कुछ लोगों के जो भ्रष्टाचारी देखी है, जब भ्रष्टाचार के हैं तो गरीबों की आवाज़ को दबा दिया जाता है, तो उन आवाज़ों को हमने एक समाज में उजागर करने के लिए कि जो दबी हुई आवाज़ है, दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ को हम बुलंद करें। हमारा मेन उद्देश्य वैसे यही है, लेकिन हमारा जो ट्रस्ट का मेन मीनू है वो पुलिस की आवाज़ है। हम लोग पुलिस को सम्मानित करते हैं, अच्छे कार्य उनको सराहना, जो अच्छे कार्य होते हैं, सराहनीय कार्य होते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। मेन उद्देश्य हमारा यही है। बाकी हम दबे कुचले कैसे भी व्यक्ति हों, उनकी हम हर आवाज़ पहुँचाएंगे, जिस भी लेवल तक हमें उनकी आवाज़ पहुँचानी पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। यूसुफ इदरिसी जी का जो मेन मकसद है वो ये है कि वॉइस ऑफ खाकी, मतलब खाकी की आवाज़ को जन जन तक, लोगों तक पहुंचाना और हर जन की सेवा करना इनका एक कर्तव्य इन्होंने बना लिया है। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे युवाओं को जो है ट्रेन कर रहे हैं, उनको आगे लेके जाना चाहते हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म से शुरुआत कर रहे हैं। यूसुफ जी, कहाँ से आइडिया लगा आपको ये सब? ये आइडिया क्या लगा मैम, हमें जो पहले मैं वॉइस ऑफ कॉप्स में मंडल प्रभारी था, तो उसमें मैंने कई अच्छे कार्य भी देखे, अच्छे प्रोग्राम भी किए हैं। दिल्ली में प्रोग्राम किया है, नोएडा में प्रोग्राम किया है, और गाजियाबाद में भी प्रोग्राम किया है हमने। उसी से हमारे अंदर प्रेरणा जगी कि क्यों ना समाज का एक और अच्छा ट्रस्ट बनाया जाए, जो अच्छे से लेवल से अच्छे काम भी करे और समाज में जो जागरूक हम लोग गुमराही में पड़े उनको जागरूक करें। तो यही सोचते हुए हमने अपनी ट्रस्ट ये वॉइस ऑफ खाकी मैदान में लाए हैं। अब अच्छा चलेगा, समाज के अच्छे कार्य करेंगे, यही सोच विचार के हम मैदान में हैं। वॉइस ऑफ खाकी से 24 के मंच से आप जो पब्लिक को एक क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? पब्लिक को हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, देखिए सबसे पहले तो अपना एक लक्ष्य बनाए, किसी भी चीज़ का हम लक्ष्य लेके जब चलेंगे तो वो मंजिल आसान होती है। हम समाज के अच्छे छोटे छोटे विनती करूँगा कि ये अपने इस इंसानियत को ना भूलें। देखा आपने किस तरह से वॉइस ऑफ खाकी के लिए जो यूसुफ चौधरी जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे युवाओं को जो है ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेन करते हैं और उनको आगे कर जो है आगे प्रेरणा दे रहे हैं, आगे लेके जाने की एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि युवा जो हैं वो अपने आजकल के युवा जो हैं जैसे अपने टाइम से भटक जाते हैं, उल्टे सीधे हरकतों में पड़ जाते हैं, वो सब ना करके किसी एक अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ें और एक अच्छे कार्य में लगें। आगे जो है वो इस तरह से यूसुफ चौधरी जैसे लोग जो हैं वो उन युवाओं की प्रेरणा बन चुके हैं और बनते चले आ रहे हैं। थैंक यू यूसुफ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।